Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top and verified educator. आज के सेशन में हम दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन फेज को कवर कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हम सतीश चंद्र की बुक को कवर कर रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हम नदर्न इंडिया के जितने भी अलग अलग किंगडम्स थे उनके बीच में जो स्ट्रगल्स और क्लैशेस चल रहे थे उसे कवर कर रहे हैं. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया की. लास्ट जो हमारी क्लास रही थी इसमें हमने ईस्टर्न इंडिया को कवर किया था, जिसमें हमने बंगाल, असम और उड़ीसा को कवर किया था. इस सेशन में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की, यानी कि वेस्टर्न इंडिया की, जिसमें हम गुजरात, मालवा और मेवाड़ को कवर करेंगे. तो लास्ट क्लास में वैसे मैंने गुजरात वाला जो पार्ट है आपके साथ कवर कर दिया था, जिसमें हमने अहमद शाह के बारे में जाना था और हमने महमूद बेघारा के बारे में भी जाना था. अब हम इस सेशन में मालवा को कवर करेंगे, मेवाड़ को कवर करेंगे और जो हमारे नॉर्थ इंडिया के अलग अलग छोटे छोटे लोकल किंगडम्स थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनके बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले बात करेंगे मालवा के बारे में. गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में इंटरेस्टेड हैं तो आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं. इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और साथ ही साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा अनअकैडमी प्लस की कोई भी क्लासेस. किसी भी एजुकेटर या किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप मल्टीपल बैचेस को, सभी बैचेस को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली. तो याद रखिए टॉप 10 का रेफरल कोड. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मालवा का जो इलाका है ये हाई प्लेटू है, जो कि बिटवीन द रिवर्स नर्मदा एंड तापी है. ठीक है, तो प्लेटू का मतलब होता है एक थोड़ा सा उठा हुआ टेबल लैंड, जो कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं होता माउंटेन जैसा, बट थोड़ा उठा हुआ होता है. तो ये जो है यहाँ पे होता ये था कि सारे इम्पॉर्टेंट जो रास्ते होते थे ना, जो रोड्स होते थे, रूट्स होते थे गुजरात और नॉर्दर्न इंडिया के, वो यहीं से होकर के गुजरते थे. साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में जितने भी इम्पॉर्टेंट हाईवेज होते थे वो यहीं से होकर के गुजरते थे. आप यहाँ पे मालवा की लोकेशन देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है. इसके अंदर जो आप देख रहे हो ना मंडू, ये मंडू जो है ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है. इसके बारे में भी मैं आपके साथ अभी चर्चा करूँगी. तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बीचों बीच स्थित है. चाहे आपको नॉर्थ टू साउथ जाना हो, चाहे आपको ईस्ट टू वेस्ट जाना हो, आपको मालवा से होकर के ही गुजरना पड़ेगा. तो अपने आप में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है. तो इसमें हुआ ये कि ये जो इसकी ज्योग्राफिकल जो इसकी फीचर्स हैं, जो इसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मतलब क्या होता है ना गाइस, कि जब हम बोल रहे हैं कि ज्योग्राफिकली किसी चीज़ की लोकेशन बहुत स्ट्रैटेजिक एरिया पे है और पॉलिटिकल मामले में वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन मतलब कि ज्योग्राफिकली भी इम्पॉर्टेंट हो जाना और पॉलिटिकली भी इम्पॉर्टेंट हो जाना. राजनैतिक तौर पर भी वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया हो गया और ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है इसमें इसका सबसे ज़्यादा रोल है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से ऐसा हुआ है. तो दैट्स वाई जियोपॉलिटिकल सिचुएशन. सो ये जियोपॉलिटिकली स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गया और ये नॉर्दर्न इंडिया के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया. तो अब किसी भी पावरफुल स्टेट के लिए, किसी भी रूलर के लिए ये ज़रूरी हो गया कि वो इस रीजन तक एक्सटेंड कर सके और यहाँ पर कंट्रोल कर सके ओवर मालवा. तो अब जो है ये कैसे हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा अगर वो जो है पूरे नॉर्थ इंडिया पर, आसपास के इलाके पर धीरे धीरे अपनी जो है ना कब्जे को आगे बढ़ाए और यहाँ के रूलर्स को हरा करके यहाँ के एरिया को अच्छे से पावरफुल तरीके से यहाँ पे मेंटेन कर सके चीज़ों को. और अगर कोई ऐसा कर ले तो एक तरीके से उसकी पूरी नॉर्थ इंडिया में डोमिनेशन हो जाएगी, फिर मतलब वो सबसे बड़ा रूलर बन जाएगा. तो मालवा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया. अब हुआ ये कि 15th सेंचुरी के समय में जो मालवा का किंगडम था ये अपनी ग्लोरी में था. मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी थी, व्यापार भी अच्छा चल रहा था, पॉलिटिकल कंडीशंस भी काफ़ी स्टेबल थी, इसीलिए मालवा काफ़ी इम्पॉर्टेंट था. तो ये जो कैपिटल है इसकी वो थी धार में, धार से इसकी कैपिटल को मंडू में शिफ्ट कर दिया गया. अभी मैंने आपको मंडू की लोकेशन दिखाई थी ना मैप में, तो मंडू में इसको शिफ्ट कर दिया गया.
अब ये एक ऐसी जगह है जो कि बहुत ही डिफेंसिबल प्लेस है, मतलब कि ये जो है ना नेचुरली इस तरीके से ये एरिया पड़ता है कि आप आराम से यहाँ से डिफेंस कर सकते हो, किले बना सकते हो और अपनी आर्मी को प्रोटेक्शन दे सकते हो, इसीलिए ये लोग मंडू में ही सिचुएटेड थे। अब ये जो है ये नेचुरल ब्यूटी के हिसाब से भी बहुत अच्छा था, तो नेचुरली ये काफ़ी ब्यूटीफुल भी था और लोकेशन वाइज भी अच्छा था। जो मालवा के रूलर्स थे उन्होंने कई सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनवाई, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो बिल्डिंग्स हैं आज इनके केवल अवशेष हमारे सामने बचे हैं, और अगर हम उन्हें देखें तो वो आज भी काफ़ी इम्प्रेसिव और ब्यूटीफुल हैं। तो मालवा के अंतर्गत इस तरीके से चीज़ें होती थी। अच्छा ध्यान रखिएगा कि मालवा स्कूल जो है यहाँ पे मीनार्स का कोई यूज़ नहीं होता था, मतलब ये लोग जो है जो भी बना रहे हैं बिल्डिंग्स वगैरह उसमें मीनार यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो मंडू की अगर बात करें तो मंडू का जो ये कैपिटल था इसके अंदर बहुत ही बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स बनाए जाते थे। कहीं ना कहीं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में भी हम इस चीज़ को देखते हैं कि जब इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर शुरू हुआ तो उसने बहुत ज़्यादा स्पेशियसनेस एंड मैसिवनेस को ऐड किया, तो वो जो स्पेशियसनेस थी और वो जो मैसिवनेस थी वो पहले हमें देखने को नहीं मिल रही थी। हालांकि इसके कई सारे एक्सेप्शंस हैं, इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े भव्य मंदिर बन रहे थे बट उसमें ना बारीक काम ज़्यादा होता था और थोड़ा वो कंजेस्टेड हो रहा था, तो इसीलिए एक नई चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगा खुलापन, ठीक है, बहुत खुला खुला बहुत फैला हुआ एरिया आपको देखने को मिलेगा, तो वो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ज़्यादा हमें देखने को मिला। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंतर्गत मंडू जो है इसका जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी मैसिव था और इसमें लार्ज स्केल यूज़ हमें देखने को मिला कलर्ड एंड ग्लेज टाइल्स का, तो बिल्डिंग्स में बहुत ही कलरफुल और बहुत ही जो ग्लेज यानी कि जिसमें ना चमक होती है वो वाले जो टाइल्स होते हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग स्कल्पचर्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं सजावट के लिए, जैसे कि हिंदू परंपरा के अनुसार या मंदिरों के अंतर्गत अलग अलग प्रकार के स्कल्पचर्स की मूर्तियों का जो यूज़ होता है वो देखने को मिलता था, लेकिन क्योंकि मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं होती है तो इसीलिए वो मूर्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सजावट के लिए दूसरी चीज़ों का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ग्लेज टाइल्स का यूज़ करना, कलरफुल स्टोन्स का यूज़ करना या फिर बहुत ही ऊंची ऊंची स्पेशियस बिल्डिंग्स बनाना, कैलीग्राफी, एरेबेस्क मेथड, इसके अलावा पीटरा डूरा आर्ट, ये सारे आर्ट फॉर्म्स थे जो कि ये लोग यूज़ करते थे। तो जामा मस्जिद इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसके अलावा हिंडोल महल, जहाज महल, ये सब बहुत ही बड़ी बड़ी और मैसिव बिल्डिंग्स हैं जो कि मंडू के अंतर्गत हमें देखने को मिलती हैं। जो शुरू शुरू के अर्ली रूलर्स आए मालवा में हुशांग शाह थे, तो हुसांग शाह जो थे ये एक बड़ी अच्छी पॉलिसी लेकर के आए, इन्होंने कहा कि ये बहुत ही रिलीजियसली टॉलरेंट रहेंगे, तो हालांकि ये लोग इस्लाम का पालन करते थे लेकिन ये लोग सबकी तरफ बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थे, और सभी रूलर्स आप देखेंगे कि जो मालवा के थे वो इतने टॉलरेंट नहीं थे, ठीक है। तो मालवा के बाकी रूलर्स के मुकाबले हमें देखने को मिला कि हुशंग शाह ज़्यादा टॉलरेंट थे और अपने तरफ से सभी धर्मों की बहुत ही इक्वल रिस्पेक्ट किया करते थे। बात करें अगर महमूद खलजी की, तो महमूद खलजी 1436 से 69 के बीच में रूल करते हैं। इन्हें माना जाता है कि वो सभी मालवा के जो रूलर्स रहे उनमें सबसे ज़्यादा पावरफुल रूलर रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो महमूद खलजी जो हैं ये बहुत ही पावरफुल थे और ये जो है बहुत एम्बिशियस थे, इन्हें हमेशा ये लगता रहता था कि कैसे ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करें, लेकिन ये इस्लाम को लेकर बहुत कट्टर थे। इन्होंने कई सारे मंदिरों को डिस्ट्रॉय भी किया था, और ये इसलिए किया था क्योंकि इनकी लड़ाई चल रही थी, इनका स्ट्रगल चल रहा था राणा कुंभा ऑफ मेवाड़ के साथ, तो मेवाड़ बिल्कुल इनके बगल में था और इस समय में इनकी जब लड़ाई चलती थी तो बहुत ज़्यादा मंदिरों को इन्होंने ध्वस्त किया, तो ये बिल्कुल इनके नेबरिंग हिंदू राजा थे। एक बार मेवाड़ की लोकेशन भी आप देख लीजिए, आप देख सकते हैं ये है मेवाड़, तो मालवा के बिल्कुल करीब है मेवाड़, तो जाहिर सी बात है एक्सपेंशन के चक्कर में और रिलीजियस इंटॉलरेंस के चलते जो लड़ाई झगड़ा है वो तो होना ही था, तो इसीलिए मेवाड़ से जो है मालवा की तरफ आप देखेंगे कि इस तरीके से लड़ाई चलती रहती थी और अटैक चलता रहता था।
मेवाड़ का जो ये किला है यहाँ चित्तौड़ में था, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो चित्तौड़ का नाम भी आप याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा करीब हैं। तो जाहिर सी बात है कि रिलीजियस इंटॉलरेंस भी थी, और वैसे भी जैसे कि हम जानते हैं कि राजपूत लीडर्स तो रिलीजियसली अगर ना भी देखे तो वैसे भी आपस में एक्सपेंशन के लिए लड़ते ही रहते थे। तो अब वो जो लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, और आपस में जब वो दूसरे राजपूतों को ही नहीं छोड़ते थे तो ऑफ कोर्स मालवा को क्या ही छोड़ेंगे। दूसरी बात, मेवाड़ इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक पावर में रहा। इवन जब आप देखेंगे कि जब मुगल्स आ जाएंगे तो मुगल्स के टाइम में भी मेवाड़ ये था जो कि मतलब लास्ट टाइम तक मतलब बना रहा, और इसने अपनी मतलब सर को नहीं झुकाया। इन्होंने बोला कि हम लड़ाई करते रहेंगे। लास्ट में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, तो हल्दी घाटी की जो बैटल हुई उसमें जो अकबर की आर्मी थी वो जीत गई, और मेवाड़ की जो आर्मी थी उसको कौन लीड कर रहे थे मुझे बताइएगा, उनका नाम क्या है? ठीक है, सो यू नीड टू टेल मी द नेम ऑफ द रूलर हु फॉट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी की बैटल किसने लड़ी थी मेवाड़ की तरफ से, उस राजा का क्या नाम था? ठीक है, आपको बताना है, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, नाम है एम एंड पी। ठीक है, तो अब आप इसको पूरा करो, कंप्लीट करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में इफ़ यू नो द आंसर। ओके, तो ये था मेवाड़ में। सो हमने देखा कि इस तरीके से मालवा काफ़ी तेज़ी से राइज हो रहा था। अब इस बीच में मेवाड़ के अंतर्गत क्या चल रहा था, आइए देखते हैं। तो मेवाड़ की जो पावर है वो राइज हुई 15th सेंचुरी में, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल लाइफ के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ये बहुत स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, और ये अंत तक बने रहे। तो बैकग्राउंड क्या है, देखो बैकग्राउंड ये है कि जब रणथाम्बूर के लिए कंकेस्ट चल रहा था बाय अलाउद्दीन खिलजी, जो चौहान्स की पावर थी राजपूताना इलाके में वो फाइनली एंड हो गई, और जब चौहानों की पावर पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो उनके अवशेषों पर ही एक नए राज्य का जन्म हुआ। काफ़ी सारे नए नए राज्य लोकल लेवल पे जन्म ले रहे थे, और लोकल लेवल पे जो रूलर्स थे वो अपनी पावर को इनक्रीज़ कर रहे थे, अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित कर रहे थे। तो वहीं से जो स्टेट है मारवाड़ का, वो जो है अपनी कैपिटल जोधपुर के साथ राइज हुआ, और ये शुरू हुआ था 1465 में, और इसके अंतर्गत जो इसकी अर्ली हिस्ट्री है वो हमारे सामने बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ मेवाड़ धीरे धीरे फिर राइज हुआ। एक ये चीज़ मानी जाती है कि इसके जो फाउंडर थे, वर्चुअल जो फाउंडर थे मेवाड़ के, वो थे बापा रावल। बापा रावल थे गुहलॉट क्लैन के। तो गुहलॉट क्लैन एक प्रकार का फैमिली क्लैन है, तो इसके थे ये, और बापा रावल ने इसको शुरू किया। तो मारवाड़ का जो इलाका है वो मेवाड़ के ऑक्यूपेशन में आया, और उसके बाद धीरे धीरे ये इंडिपेंडेंट हो गया, और इसके बाद काफ़ी सक्सेसफुल यहाँ पे स्ट्रगल भी रहे थे जो कि राव जोधा के लीडरशिप के अंतर्गत रहा, और उन्होंने इसको इंडिपेंडेंट रूप से आगे बढ़ा दिया। फिर आ गए हमारे राणा कुंभा। राणा कुंभा आए 1433 से 68 के बीच में। इन्होंने जो है जो पावर थी मेवाड़ की उसे बहुत तेज़ी से राइज किया, और इंटरनल राइवल्स को हटा दिया, ख़त्म किया। बूंदी, कोटा, डोंगरपुर, पूरा जो गुजरात के बॉर्डर्स तक के सारे इलाके थे उन सबको इन्होंने कैप्चर कर लिया, और सबको मेवाड़ के अंतर्गत मिला लिया। इस प्रकार से मेवाड़ काफ़ी तेज़ी से राइज हुआ। कुंभा जो हैं ये काफ़ी बड़े पढ़े लिखे इंसान थे, इन्हें आर्ट एंड कल्चर का बहुत ज़्यादा शौक था, और वो जो हैं इसीलिए कई सारी किताबों की रचना खुद भी कर चुके थे। इन्होंने विक्ट्री टावर, कीर्ति स्तंभ बनवाया था चित्तौड़ में, जो ये दिखाता है कि वो कितने बड़े बिल्डर थे, कितना एंथुजियास्टिक थे वो आर्ट एंड कल्चर के डेवलपमेंट को लेकर के और आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट को लेकर के। कई सारे उन्होंने लेक्स भी बनवाए थे, लेक्स इन्होंने खुदवाए थे, तो तालाबों के द्वारा इन्होंने पानी को सेव करना, वाटर हार्वेस्टिंग और रिजर्वायर्स बना करके इन्होंने इरिगेशन पर्पस से सिंचाई की सुविधा को मुहैया करवाया था। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, और ये जो है स्टोन कटिंग के आर्ट को बहुत पसंद करते थे, मूर्तिकारों को काफ़ी पसंद करते थे, तो कई सारी अलग अलग प्रकार की जो मूर्तियां हैं और स्टोन कटिंग आर्ट है वो इनके समय में हमें देखने को मिला। बाद में हुआ ये कि कुंभा की जो है मर्डर हो गया, इनका मर्डर खुद इनके बेटे ने किया था जिनका नाम था उदा।
तो ये जो है उदा आए, लेकिन उदा को बहुत जल्दी ही हटा दिया गया और उनकी जगह आ गए राणा सांगा, जो कि कुंभा के ग्रैंडसन थे, उनके पोते थे। अब राणा सांगा जो थे वो गद्दी पर बैठे और मेवाड़ के राजा बने इन द 1508। उसके बाद लोदी रूलर इब्राहिम लोदी जो है वो बहुत ही एरोगेंट एक रूलर थे, इब्राहिम लोदी, जो कि आखिरी लोदी रूलर थे। तो इनके एरोगेंस की कहानी भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि ये कितने एरोगेंट थे। तो ये क्या हुआ, ये मेवाड़ पर इन्वेशन कर रहे थे, लेकिन इनको हरा दिया गया। बहुत शार्प इन्हें रिवर्स देखने को मिला और राणा सांगा जो थे इन्होंने खटोली में इब्राहिम लोदी को हराया और फिर मारपीट करके उन्हें वापस भेज दिया। मीनवाइल बाबर का जो है इन्वेशन इंडिया पे होने वाला था, तो इंडिया के गेट तक बाबर पहुंच ही चुका था। उसके बाद फिर 1525 में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है नॉर्थ इंडिया की, वो बहुत तेज़ी से बदल गई और उसके बाद नॉर्थ इंडिया के अंतर्गत कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, सुप्रीमेसी को लेकर के बहुत ज़्यादा चीज़ें होने लग गई। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें हुई। अब अगले वीडियो में हम नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ इंडिया के जो शर्की लोधी सुल्तान थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।